31 मार्च तक जारी लॉकडाउन को नागरिकों और अन्य कर्मचारियों की सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, जिसके चलते नागपुर के एसी स्टैंड में सन्नाटा छाया रहा। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने अपने पांव पसार लिए हैं, जिसके कारण इस महामारी से मरने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ते ही जा रही है। अब इतनी गंभीर परिस्थितियां हैं कि देश के कई राज्यों में संचार बंदी की नौबत आ गई है। अत्यधिक जगहों में लोगों का सहयोग मिल रहा है। इस तरह की प्रतिक्रिया आगे भी देखने को मिलती है तो हम कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचने में जल्द ही सक्षम हो सकेंगे। कोरोना वायरस इसने दुनिया के 186 देश जिसमें अपना प्रसार फैला दिया है, जिसके चलते हर शहर में लॉकडाउन की नौबत आ गई है। नागपुर शहर भी उसमें से एक है। फिलहाल हम अभी है एसटी स्टैंड में, जहाँ पे हमने ये जो लॉकडाउन की नौबत आई है उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, समीक्षा करने की कोशिश की। तो यहाँ पर आकर हमें देखने को मिला कि जो ये एसटी स्टैंड सारी बसों से भरा हुआ रहता था, सारे यात्रियों से भरा हुआ रहता था, वो आज बिल्कुल बंद है। तो मतलब इससे समझ में आ रहा है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, कई जगह पे इसकी जागरूकता देखी जा रही है, लोग सतर्क हो रहे, सावधान हो रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार जो अपने निर्देश बनाए गए हैं उसका लोग पालन कर रहे हैं। तो वही हमने कोशिश की यहाँ जानने की, और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि लोग नहीं हैं और लोग अभी फिलहाल अभी घर में रहकर इस चीज़ को पालन कर रहे हैं, निर्देशों का पालन कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसी ही प्रतिक्रिया अगर आगे मिलती रही तो जल्द से हम कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ने के लिए सक्षम हो सकेंगे। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ दीपिका धनेश्वर, INBCN नागपुर।